बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको गरमे का हलवा बनाना सिखाऊंगी। गरमे का हलवा किस तरह किस तरीके से बनेगा ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। ये गरमा मैंने एक अदद दिया है, इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी और वो आपको मैं दिखाऊँगी। अब मैं इसकी लंबाई में कटिंग करूँगी। अब इसके दरमियान में जो बीच है वो मैं अलग कर लूँगी। इसे अच्छी तरह से दरमियान से साफ कर लूँगी और दूसरे को भी मैं इसी तरह कर लूँगी। मैं इनसे बारीक काट लूँगी और इनके छिलके जो हैं वो उतार लूँगी। अब मैंने इनको बारीक काट लिया है और इनके छिलके उतार दिए हैं। आप ये देख सकते हैं, इनको इन्हें छिलके उतार दिए हैं ये। अब मैं इनको कद्दूकश करूँगी इससे और कद्दूकश करके आपको दिखाऊँगी। अब मैं इनको इस तरह कद्दूकश करूँगी। अब मैं सारे इसी तरह ही कद्दूकश करूँगी। ये देखें, हमारा कद्दूकश हो रहा है। अब मैंने कद्दूकश कर लिए हैं गरमे को। ये पिस्ता, अखरोट और ये किशमिश, काजू, नारियल, ये सब जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये गार्निश के लिए हैं। अब सबसे पहले कढ़ाई में मैंने एक कप ऑयल शामिल किया है। अब मैं चीनी शामिल करूँगी। ये चीनी मैंने हसब ज़रूरत ली है। मैं इसकी चाशनी बनाऊँगी, इसलिए अब मैं एक गिलास पानी शामिल करूँगी और साथ में सब्ज़ी लाचें, 3-4 अदद मैंने सब्ज़ी लाचें लिए हैं। अब मैं इसकी चाशनी बनाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब हमारी चाशनी तैयार हो गई है। जो मैंने गर्मा कद्दूकश किया था वो मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें दूध का पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये दूसरी चम्मच मैंने शामिल की है। अब हमारा हलवा तैयार हो रहा है। देखिए कितना खूबसूरत बन रहा है। जब ये मुकम्मल बन जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं इसे ड्राई फ्रूट शामिल करूंगी और इसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी। माशाल्लाह से हमारा हलवा तैयार हो गया है। अब मैं इसे सर्व करूंगी और आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह से हमारा गरमे का हलवा तैयार हो गया है। इस हलवे को ज़रूर ट्राई करें। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आखिर में जब वीडियो सेंड को ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।